गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रवि कुमार जी फिर से आप लोगों के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। आज क्लास 5 के लिए मैंने लाया है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है? सबसे पहले पैरेट्स में क्या क्या है, और जिसको हम लोग वो से डिनोट करते हैं, फिर थाउजेंड सी एच से डिनोट करते हैं, और मिलियन को एम से डिनोट करते हैं। तब ऑन्स में क्या क्या आता है आपका, देखिए ऑन्स में ऑन्स आएगा, टेंस आएगा और हंड्रेड आएगा। ये जो है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है। फिर ऑन्स को ओ से, टेंस को टी से और हंड्रेड को एच से डिनोट करते हैं। फिर थाउजेंड के पीरियड में जब आते हैं तो थाउजेंड को हम लोग टी एच से डिनोट करते हैं, टेन थाउजेंड को टी टी एच से डिनोट करते हैं और हंड्रेड थाउजेंड को एच टी एच से डिनोट करते हैं। फिर आते हैं हम लोग मिलियंस में, मिलियंस को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, टेन मिलियन को टी एम से डिनोट करते हैं और हंड्रेड मिलियन को एच एम से डिनोट करते हैं। तो ये इक्वल टू है, या हम लोग बोल सकते हैं 1000 मिलियन के इक्वल है। और इसका ये रिवर्स भी होता है, जैसे कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो ये दिया रहे तो हम ये कर सकते हैं और ये दिया रहेगा तो ये भी कर सकते हैं, यानी रिवर्स इक्वल होता है। ये नहीं कि ये दिया रहेगा तभी हम इधर करेंगे, ये वाला रहेगा तो हम इधर कर सकते हैं। जैसे 1